कि आज ये ई लॉन्चिंग जो है वाई एस एस का 2021 ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है और विनर टीम का प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंट गेम्स इसमें चार इवेंट हैं हमारे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो एंड कबड्डी। इनॉग्रेशन जो है वो तमाम एक नगरी है, दूसरा चंद्रमा। आप नगरी किसका राइट बनता है, चंद्रमा वाले का बनता है दूसरे है। आप बोले हेड 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 दो मिनट आ जाइए, जैसे लाइन में थे ऐसे रहिए प्लीज, जैसे पहले खड़े थे जैसे लाइन में थे ऐसे आ जाइए। ये जैसा कि पहले आपको एक्टिविटी इंचार्ज नसीब जी ने बताया कि ये हमारे वाई एस एस कप की ये ई लॉन्चिंग है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी खेल गांव नगरोटा के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी चार गेम्स हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस स्पोर्ट्स ने कर ली हुई है। जैसे आप दोनों की क्लब की आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो ये आज का जो मैच है ये शो मैच है, जैसा कि वहाँ से डायरेक्शन से उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पे पिच थोड़ी गिली है, उसके देखते हुए दोनों कैप्टन साहब में बात कर लेंगे किस तरीके से आप लोगों ने खेलना है। तो हमारी तरफ से आप दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जो ई लॉन्चिंग हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कप की हुई है, तो ये भी अच्छे तरीके से इसमें यूथ जो हमारा है जो पार्टिसिपेट करे, जो हमारे पास टीमें रजिस्टर्ड हुई हैं वो सारी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो ब्लॉक लेवल पे कंपटीशंस हैं इंटर पंचायत ब्लॉक लेवल, उसके बाद इंटर ब्लॉक लेवल होंगी, तो इसमें जितना भी हमारा यूथ है ये थोड़ा सा बाहर निकले, और जो हमने दो साल से ये थोड़ा सा हम डाउन जा रहे थे, तो ये अपना इम्यून सिस्टम फिजिकली थोड़ा साउंड बने, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट
मेरा नाम नीरज शर्मा है, कैप्टन ऑफ राइजिंग स्टार नगरी। आज जहाँ पे जो मैच खेला जा रहा है ये इनॉग्रेशन मैच है, क्योंकि यहाँ से ये स्पोर्ट्स की तरफ से, यूथ सर्विस की तरफ से ये इनॉग्रेशन मैच करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो सेंटर से ये स्कीम आई थी कि हर एक ब्लॉक में जाके ये टूर्नामेंट होगी, जैसे यहाँ हमारे कठुआ में हो रही है, ऐसे जम्मू में भी हो रही है, और भी प्लेसेस पे ऐसी टूर्नामेंट हो रही है, जिसकी इनॉग्रेशन आज ठीक 12 बजे हुई थी। तो ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए गेम्स हो रही हैं। आज जो बच्चा यहाँ पे पहले ब्लॉक लेवल पे खेलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएगा, उसके बाद वो नेशनल खेल सकता है। तो अभी हमारा मैच जो है कि वो चंदमा के साथ हो रहा है, चंदमा 11 के साथ, क्योंकि हमारी दोनों टीमें फाइनलिस्ट थी पहले। जो यूथ सर्विस का टूर्नामेंट इन्होंने करवाया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें हम विनर रहे थे। तो दोनों टीमों को आज कॉल किया इन्होंने इनॉग्रेशन मैच के लिए। हमें बताया कि और भी यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं हमें। तो अभी जो मैच है, मैच की जो स्थिति है, ठीक 12 बजे मैच शुरू हुआ था हमारा यहाँ पे। तो टॉस जीतकर हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अभी जो हमारा स्कोर है 80 स्कोर हो चुका है, 6 विकेटें हमारी आउट हो चुकी है। पॉसिबल है कि अगर हम 120-130 के प्लस पहुंच गए तो अच्छा मैच देखने को सभी को मिलेगा। तो एक मेरा मैसेज हो रहा है सभी को कि जो ये जो यूथ सर्विस की तरफ से ये टूर्नामेंट्स हो रही हैं, सभी बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया के बच्चे काफी नशे में पड़ चुके हैं। तो अभी आप काफी केसेस सुनते हैं कि चिट्टा के केसेस में कोई गर्मी जाके मर रहा है, कोई इंजेक्शन लगा के मर रहा है। सो उन बच्चों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए ताकि वो नशे से दूर रहे। जय हिंद।